नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। मैं पूजा शर्मा आपके साथ। प्रयागराज के कॉर्बन अस्पताल के बाहर माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या की साजिश बदमाशों ने पहले से ही तैयार कर ली थी, लेकिन उन्हें पता था कि अतीक और अशरफ को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लाया जाएगा, जिसके बाद उसने मीडिया कर्मी के रूप में वहां खड़े थे। लेकिन खास बात यह है कि पुलिस को हत्या की साजिश रचे जाने की भनक तक नहीं लगी, लेकिन हमलावरों ने अतीक अशरफ के साथ में रहे पुलिस कर्मियों को संभालने तक का मौका नहीं दिया और वारदात को अंजाम दे डाला। असल में गुड्डू मुस्लिम के बारे में मीडिया कर्मियों से इतना बोलते ही अतीक के पीछे साए की तरह आए शूटर ने पॉइंट ब्लैंक दूरी से उसके सिर में पिस्टल से गोली उतार दी और गोली चलने की आवाज सुनते ही अतीक के एक कदम आगे चल रहे अशरफ ने पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। तब तक दो और शूटर नजदीक आकर अशरफ पर सामने से गोलियां ताबड़तोड़ बरसाने लगे। ऐसी तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।